हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगा, जब आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। और सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारी कास्ट कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस, और आपकी वजह से उनकी रातों की नींद जो है उड़ चुकी है या फिर उड़ चुका है। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, जिसके लिए वो हार्डवर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको पेंटिकल का प्रॉब्लम हो, करियर का इशू हो, तो इसीलिए वो लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन गिल्ट में भी है, उनका स्लीपलेस नाइट है, पास्ट के बारे में सोचते हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, इस तरीके का सिचुएशन है। और साथ ही साथ आपको उनकी लाइफ का एम्प्रेस मानते हैं। ठीक है, आपको ही खुद का वाइफ या फिर हस्बैंड की तरह देखते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपके तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन, पावरफुल पर्सन देखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, पावरफुल, नॉलेजेबल पर्सन वो आपको देखते हैं। ओके, तो इस तरीके का एनर्जी है आपके पर्सन की आपके प्रति। हो सकते हैं यहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, इस तरीके का एनर्जी है। और जो भी हो यहाँ पर सिचुएशन, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली की मर्जी से या तो फिर ट्रेडिशन से या तो फिर किसी मंदिर में जाके शादी के बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बहुत ही ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अर्थ साइन है। साथ ही साथ एरीस, लियो, सजिटेरियस भी है, जिसमें से एरीस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है यहाँ पर। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। आपको लेके कहीं दूर चला जाना चाहते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। पॉजिटिव सोच रहे आपको लेके, डे ड्रीम कर रहे हैं। ओके, वो सोच रहे हैं कि आपको लेके कहीं दूर चला जाए आपके पर्सन, कहीं दूर सिटी में जाके घर बसाए आपके साथ, इस तरीके का सपना वो देख रहे हैं और पेशेंटली प्लानिंग कर रहे। सिर्फ सपना नहीं देख रहे वो, सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, यहाँ पर सोचने की भी एनर्जी है, डीप थिंकिंग करने की भी एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पर प्लानिंग करने की भी एनर्जी है। ठीक है, प्लान कर रहे हैं ताकि वो आपके तरफ सही डिसीजन ले पाए, उनका जो प्लान है वो फ्लॉप ना हो जाए। और आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टू क्वींस आ चुके हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फीमेल हो सकते हैं, कोई अदर फीमेल हो सकते हैं, अदर मेल हो सकते हैं, पैसों का दिक्कत हो सकते हैं, फैमिली का दिक्कत हो सकता है, मादर इशू हो सकते हैं, और कास्ट कल्चर इशू भी हो सकते हैं, सोसाइटी का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई मैरिड, कोई अनमैरिड ऐसा भी है, तो इस तरीके का भी सिचुएशन यहाँ पर है। एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर, और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर शादी की एनर्जी है, शादी करना चाहते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं आपके पर्सन। और क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज इनको गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, और क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के तरफ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के तरफ। टू ऑफ सोर्स, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझ गए हैं आपके पर्सन, और कुछ लोग का यहाँ थर्ड पार्टी पेंटिकल है या तो फैमिली है, ऐसे भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। फिर से हार्मिट का कार्ड आ गया है, हार्मिट मोड में है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कोई ना कोई डेविल एनर्जी हो सकते हैं आपके रिश्ते में, और या तो फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सेल टाइप का है, गुस्सा करता है,
या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं कोई डबल एनर्जी हो सकते हैं, कोई कार्मिक एनर्जी हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेविल यहाँ पर शो कर रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं उनके पर्सन, जिसके बारे में सोच के मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं इस कार्ड में, एक लड़का एक लड़की बैठे हुए हैं जांच के सामने और यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग यहाँ पर करना चाहते हैं। कुछ लोग का बच्चे हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम था तो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, इस तरीके का एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ आपके जो रिश्ता है उनको आपके पर्सन अप्रिशिएट करते हैं, इस रिश्ते को और छुपा के नहीं रखना चाहते, सोशल करना चाहते हैं। यस, लवर्स का कार्ड भी आ चुका है यहाँ से और फॉल्स पर्सन वेल्दी मैन। तो आपके पर्सन अगर उनका फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो वो रिच बनना चाहते हैं पहले, उसके बाद आपके रिश्ते को सबके सामने लेके आना चाहते हैं। अगर उन्होंने इतने टाइम आपका रिश्ता छुपाया है, एक फॉल्स पर्सन की तरह बिहेवियर किया है, तो अभी वो सबके सामने लेके आना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को ओपन अप करना चाहते हैं सबके साथ और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं लव लाइफ में। तो ये आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन है आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। तो गाइस ये था आज के दिन में रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा है रीडिंग। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।